अगर कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी शिकायत सी विजिल ऐप पर की जाती है। शिकायत मिलने के 100 मिनट में शिकायत पर चुनाव आयोग कार्यवाही करेगा। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है। मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव होंगे। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को 6 संसदीय क्षेत्र सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा में चुनाव होगा। द्वितीय चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल में 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। तृतीय चरण में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, यहां पर 8 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। चौथे और अंतिम चरण में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में 8 संसदीय क्षेत्र में मतदान किया जाएगा। अनुपम राजन ने बताया कि कम मतदान वाले 26 जिलों में जागरूकता वाहन चलाए जाएंगे। आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने के लिए सिस्टम तैयार किया गया है। आम नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की गैरकानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट अपने मोबाइल फोन से दर्ज करा सकते हैं। 100 मिनट के अंदर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे, पूरे कंट्री में 7 फेजेस में चुनाव होंगे। पिछले लोकसभा निर्वाचन के दौरान हमारे यहाँ चुनाव स्टेट में 4th, 5th, 6th, 7th फेज में हुए थे। इस बार वो 1st, 2nd, 3rd and 4th फेज में होंगे। फर्स्ट फेज का जो पोल है वो 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जो 19 अप्रैल को है। सेकेंड फेज का जो पोल है वो 26 अप्रैल को है, 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। थर्ड फेज का पोल 7 मई को है, 8 संसदीय क्षेत्र के लिए। और आखिरी चरण जो हमारा है वो 13 मई को है, 8 संसदीय क्षेत्र के लिए। कुल हमारे यहाँ 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जैसा आप जानते हैं, जैसा हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सारे मतदान केंद्र हमारे थे, आप सबसे पहले भी चर्चा हुई थी, जो पूर्णतः विमेन मैनेज थे, जिसको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, जहाँ आपके चारों जो मतदान दल होते हैं सभी महिलाएं थी। मंदसौर में आपको बताऊं, पूरी काउंटिंग की पूरी टीम, मैंने पूरी काउंटिंग वहाँ महिलाओं ने की थी विधानसभा चुनाव के दौरान, जो कंट्री में एक बड़ा अनूठा प्रयोग रहा था और बहुत सराहा गया था। इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया था। तो लोकसभा निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने टारगेट किया है कि 3,500 मतदान केंद्र महिलाओं के द्वारा संचालित। सोचा अधिक से अधिक प्रयास ये होगा कि और भी बढ़ाएं, तो सभी कलेक्टर अभी 3,500 हम लोगों ने टारगेट किया है और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।